नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम रेलवे एम्प्लॉयज को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मिलने वाले ट्रैवलिंग अलाउंसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, सूचना या वीडियो आपके लिए यूजफुल रहता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल का आइकन दिया गया उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो चुकी हैं, और जो अलाउंसेस थे वो भी जुलाई के महीने से बढ़े हुए सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने लग गए हैं। अभी तक रेलवे एम्प्लॉयज के लिए रेलवे बोर्ड ने ट्रेवलिंग अलाउंसेस के बारे में ऑर्डर जारी नहीं किया था, तो उन्होंने 24 अगस्त 2017 को ये ऑर्डर जारी कर दिया है। और इसमें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार रेलवे एम्प्लॉयज को मिलने वाले ट्रेवलिंग अलाउंसेस का क्या रेट रहेगा, उनका एंटाइटलमेंट क्या रहेगा और किस हिसाब से उनका जो ट्रेवलिंग ऑन टूर, ऑफिशियल टूर या ट्रांसफ़र के टाइम रेगुलराइज किया जाएगा, वो सब इसमें उन्होंने बताया है। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए आप हमारा चैनल। तो इसमें इन्होंने बताया कि कुछ एम्प्लॉयज का जो इंटाइटलमेंट्स है वो पहले जो था उससे कम हो गया है, लेकिन किसी भी एम्प्लॉय को जो पहले वाला जो इंटाइटलमेंट्स था यदि वो कम होता है सातवें वेतन आयोग के बाद में, तो उन्हें जो ज़्यादा वाला था यानी जो पहले वाला था वही दिया जाए। किसी भी कंडीशन में किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को, रेलवे कर्मचारी को पहले जो इंटाइटलमेंट था उससे कम नहीं दिया जाए, जैसे कि चाहे उसका मोड ऑफ ट्रेवल हो, क्लास ऑफ अकोमोडेशन, कुछ भी कम नहीं होना चाहिए जो उसके लिए पहले से वो इंटाइटलमेंट था, यानी सिक्स पे कमीशन में जिसके लिए वो इंटाइटलमेंट था। और ये जो ऑर्डर हैं उन्होंने बोला कि ये एप्लीकेबल रहेंगे 1 जुलाई 2017 से, और जिन भी रेलवे एम्प्लॉयज ने 1 जुलाई 2017 के बाद में अपने टीए बिल सबमिट किए हैं या जर्नी की है, तो वो सब जो बिल हैं वो रेगुलराइज किए जाएँ इस ऑर्डर के अनुसार, और इससे पहले वाले जो भी ऑर्डर हैं वो उनका जो एग्जिस्टिंग रूल्स थे यानी सिक्स पे कमीशन के अनुसार ही उनका पेमेंट किया जाए और उनको क्लियर किया जाए। और इसका जो सारा डिटेल्स है वो एक अनेक्सर में दिया हुआ है, तो आइए हम आपको ले चलते हैं उस अनेक्सर पर कि इसमें सारा इंटाइटलमेंट दिया हुआ है। ये अनेक्सर है, इस अनेक्सर में जो भी इंटाइटलमेंट्स ऑफ जर्नी ऑन टूर और ट्रेनिंग दिया गया है और ट्रांसफ़र के टाइम पर भी क्या इंटाइटलमेंट रहेगा वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि जर्नी बाई एयर विद इन द कंट्री, तो इसमें जो भी लेवल 16 और उससे ऊपर वाले जो भी ऑफिसर्स हैं रेलवेज के, वो एयर में बिजनेस क्लास या जे क्लास में जर्नी कर सकते हैं। बाकी जो अदर एम्प्लॉयज या ऑफिसर्स जो रेलवे जर्नी करने के लिए एंटाइटल्ड हैं, वो जो इकोनॉमी क्लास है उसमें जर्नी कर सकते हैं, यानी सेवन्थ पे कमीशन के बाद में जो लेवल 6 तक जो भी एम्प्लॉयज हैं वो फ्लाइट की जर्नी कर सकते हैं या वो एयर ट्रेवल के लिए इंटाइटल हैं, तो वो जो एम्प्लॉय हैं वो कर सकते हैं इकोनॉमी क्लास में। साथ में यहाँ पे इन्होंने कंडीशन और बताया है कि जो माइलेज पॉइंट्स मिलते हैं यदि कोई रेलवे एम्प्लॉय फ्लाइट से जर्नी करता है, तो उन माइलेज पॉइंट का प्राइवेट काम के लिए यूज नहीं किया जाए। यदि कोई एम्प्लॉय ऐसा करता है तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जा सकती है, और क्योंकि जो माइलेज पॉइंट हैं उनका रेलवे किसी दूसरे ऑफिस या ऑफिशियल कोई जर्नी करता है तो उसके लिए उसका यूज करेगा, इसलिए कोई भी अधिकारी या कर्मचारी माइलेज पॉइंट का प्राइवेट यूज के लिए, उसका प्राइवेट पर्पज के लिए उसका यूज नहीं करें। तो ये तो बात रही एयर जर्नी की, उसके बाद माता जर्नी बाई एयर वो इंटरनेशनल में, वो डोमेस्टिक था, तो इंटरनेशनल में लेवल 14 और उससे ऊपर वाले जो भी हैं वो बिजनेस क्लास या क्लब क्लास में जर्नी कर सकते हैं। बाकी अदर ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज जो जर्नी करने के लिए एलिजिबल हैं वो इकोनॉमिक क्लास से कर सकते हैं। फिर इसमें आता है जर्नी बाई सी और रिवर स्ट्रीमर, तो इसमें अंडमान निकोबार और आइसलैंड और लक्षद्वीप, इनके अलावा बाकी
जो एम्प्लॉयज हैं उनका कैटेगरी रहेगा लेवल 9 एंड अबव, वो कर सकते हैं। हाईएस्ट क्लास जो भी रिवर ट्रिम स्टीमर की है उसमें लेवल 6 से लेकर 8 तक जो एम्प्लॉयज हैं वो लोअर क्लास, यदि वहाँ पे 2 क्लास अवेलेबल हैं, और लेवल 4 एंड 5 उसमें यदि सिर्फ 2 ही क्लास हैं तो लोएस्ट क्लास में, और यदि 3 क्लास हैं उस स्टीमर में तो मिडिल और सेकेंड क्लास में वो जर्नी कर सकते हैं, और यदि वहाँ पे 4 क्लासेस हैं तो जो थर्ड क्लास है उसमें वो जर्नी कर सकते हैं, और लेवल 3 और उससे नीचे वाले जो भी रेलवेज के एम्प्लॉयज हैं वो सबसे लोएस्ट क्लास है उसमें जर्नी कर सकते हैं बाई सी और रिवर स्टीमर के द्वारा। और उसके बाद में जो मेनलैंड एंड अंडमान और निकोबार, उसके लिए जो जर्नी का या जहाज के द्वारा जो यात्रा की जाती है उसका इंटाइटलमेंट इस प्रकार रहेगा, लेवल 9 और अबव उसमें डीलक्स क्लास में रहेगा, लेवल 6 और 8 वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो फर्स्ट क्लास और केबिन क्लास में जर्नी कर सकते हैं, और लेवल 4 एंड 5 वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो सेकेंड बी या केबिन क्लास में, और लेवल 3 और उससे नीचे वाले जो भी एम्प्लॉयज हैं वो बंक क्लास में एयर सॉरी ये स्टीमर जर्नी कर सकते हैं। उसके बाद माता माइलेज, यदि कोई एम्प्लॉयज रेलवे एम्प्लॉयज ऑफिशियल जर्नी से या जर्नी करता है बाई रोड तो माइलेज पॉइंट का क्या यानी माइलेज अलाउंस जो मिलता है वो किस हिसाब से रेगुलाइज किया जाएगा उसका टेबल आपके सामने है। तो इसमें जो लेवल 14 और उससे अबव वाले जो भी रेलवेज एम्प्लॉयज हैं तो उनमें जो एक्चुअल फेयर उन्होंने पेमेंट किया है, जैसे कि चाहे वो बाई एसी बस के द्वारा हो या पब्लिक बस के द्वारा हो, तो वो उन्हें दिया जाएगा। और यदि वो उन्होंने जर्नी किया है एसी टैक्स के द्वारा तो जो भी रेट प्रेस्क्राइब है उनके लिए लगभग 13 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर वन डे इनके लिए प्रेस्क्राइब है उसमें वो जर्नी कर सकते हैं, और यदि ऑटो से भी जर्नी कर सकते हैं और खुद का कार है स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड जो भी है उससे वो जर्नी कर सकते हैं, तो उसका जो इंटाइटलमेंट है वो उन्हें दिया जाएगा। लेवल 6 से 13 वाले जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें ऊपर वाला जो भी है यानी वो एक्चुअल बस फेयर जो कि जब पब्लिक बस से किया है और एसी बस से भी वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो एसी टैक्सी है उसका उन्हें इंटाइटलमेंट नहीं रहेगा, बाकी उन्हें जो भी चाहे वो एसी बस से भी जर्नी कर सकते हैं लेकिन एसी टैक्सी का उन्हें रिइम्बर्समेंट नहीं किया जाएगा। लेवल 4 और नीचे 5 उन्हें एक्चुअल फेयर लेकिन नॉन एसी बस का उन्हें दिया जाएगा, और यदि ऑटो से जर्नी करते हैं और या खुद की कार से करते हैं या मोटरसाइकिल से करते हैं तो जो फेयर बनता है प्रेस्क्राइब रेट वो 13 रुपीज़ पर किलोमीटर वो उन्हें दिया जाएगा, और लेवल 3 और उससे नीचे वाले जो भी एम्प्लॉयज हैं उन्हें ये दिया जाएगा एक्चुअल फेयर बाई ऑर्डनरी बस, उन्हें एसी या पब्लिक बस का सिर्फ उन्हें ऑर्डनरी बस में जाना है। तो ये था माइलेज अलाउंस जो रेलवे एम्प्लॉयज हैं उनको नीचे दिया है कि रेलवेज में उन्हें जर्नी बाई रेल का एंटरटेनमेंट्स क्या रहेगा वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे इन्होंने रेट अभी चेंज कर दिया, इसको 12 रुपये पर किलोमीटर कर दिया है, और जर्नी बाई रेल में क्या एंटाइटलमेंट्स रहेगा, तो जैसे फ्री पास एज एडमिसिबल अंडर रूल्स मे बी इश्यू टू रेलवे सर्वेंट्स, तो उन्हें जो भी क्योंकि रेलवे एम्प्लॉयज को फ्री पास दिया जाता है तो उनके अनुसार जो भी एडमिसेबल है वो उन्हें दिया जाएगा। उसके बाद में आता है टीए एंटाइटलमेंट्स ऑन ट्रांसफर, इसके लिए हमने कल एक और वीडियो बना चुके हैं वो भी यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि टीए ऑन ट्रांसफर में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि आप वो वीडियो देख पाएंगे देख लेंगे और अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कर लेंगे, क्योंकि यदि हम ये वीडियो इसी में बनाने लगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सूचना या वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स का लिस्ट भी दिया गया है, उनको आप परचेज कर सकते हैं और अपने डेली लाइफ और ऑफिशियल लाइफ में उनका यूज आप कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। इस ऑर्डर में रेलवे बोर्ड ने बोला है कि जो रेलवे का रनिंग स्टाफ है जैसे कि लोको पायलट मेल और एक्सप्रेस के, लोको पायलट पैसेंजर और मोटरमैन गार्ड जो कि मेल और एक्सप्रेस, इन सबको जो मिलने वाला एडिशनल अलाउंसेस है जिसको आप रनिंग अलाउंसेस भी बोल सकते हैं, और साथ में इसमें जो लोको पायलट गुड्स और सीनियर पैसेंजर गार्ड उन सबको सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार इस नए रेट से रनिंग
अलाउंसेस दिया जाएगा। तो इसका जो रेट है वो रहेगा 2,250 रुपये पर मंथ लोको पायलट मेल और एक्सप्रेस के लिए, 1,125 रुपये रहेगा पर मंथ लोको पायलट पैसेंजर और मोटरमैन के लिए, 1,125 रुपये पर मंथ ये रहेगा गार्ड मेल और एक्सप्रेस दोनों के लिए कॉमन है, और 750 रुपये पर मंथ रहेगा ये लोको पायलट गुड्स के लिए, और 750 रुपये पर मंथ ये रहेगा सीनियर पैसेंजर गार्ड्स के लिए। साथ में इसके ऊपर जो भी डियरनेस अलाउंसेस में है, जैसे प्रेजेंट में भी 4% दिया जा रहा है, जुलाई से बढ़ने की उम्मीद है इसको 5%, तो इस रेट के ऊपर आपको 4% डियरनेस अलाउंस भी किया जाएगा। और ये जो ऑर्डर एप्लीकेबल रहेगा ये 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल है, यानी 1 जुलाई 2017 के बाद में जो रेलवे का रनिंग स्टाफ है उन एम्प्लॉयज़ को ये एडिशनल अलाउंसेस दिए जाएंगे।